हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन का आज मूड कैसा है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, लेकिन साथ ही में जनरल है, कलेक्टिव है। सभी साइंस, सभी जेंडर, सभी रिलीजन्स के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। देखते हैं क्या कार्ड निकल के आए हैं। आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आज का दिन उनका थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे आपके रिश्ते को लेकर एंड उनके खुद के लाइफ के काफ़ी ज़्यादा मुद्दों को लेकर। आपके पर्सन काफ़ी एफर्ट्स लगाएंगे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। जगल करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी ज़्यादा थके हुए और मायूस फील करेंगे। लेकिन साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही अकेला फील करेंगे एंड उन्हें लगेगा कि उनके कामों को बांटने के लिए, उनकी लाइफ में स्ट्रगल को बांटने के लिए, प्रॉब्लम्स को बांटने के लिए उन्हें एक लाइफ पार्टनर की नीड है एंड वो आपको बहुत ही मिस करने वाले हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस प्रोमिनेंट जोडियक साइंस हैं। 15, 6, 24, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 22, 31, 13 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए या उनके लिए। डेफिनेटली आपके पर्सन आज के दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, अकेले स्ट्रगल करते करते थक जाने वाले हैं और रियल में ये फील करने वाले हैं कि या तो उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या फिर कोई मिरेकल हो और आप उन तक पहुँच जाएँ एंड लाइफ में सब कुछ सेट हो जाए। ऐसी बाय हार्ट फीलिंग्स रहने वाली हैं उनकी। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।